आप सभी का स्वागत है। हिंदी में इमिग्रेशन कैसे क्लियर कर सकते हैं इसके ऊपर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में एक वीडियो 2 साल पहले अपलोड की गई थी, जो बहुत सारे व्यूअर्स ने देखी भी होगी। बट अभी भी रिसेंटली ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि अभी हम जा रहे हैं, अभी हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम हिंदी में कैसे वीडियो अपलोड करें। हम कमेंट के ऊपर रिप्लाई भी करते हैं कि आप देखें पहले से वीडियो अपलोडेड है, फिर उसके ऊपर रिप्लाई करते हैं कि आप फिर से अपलोड कर दीजिए। तो ये रिक्वेस्ट जो है ना, ये कंटिन्यूसली पिछले 1 साल से आ रही थी। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, और प्लस कोरोना के बाद सिचुएशन में क्या चेंज आ गए हैं और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी एक बहुत ही छोटी सी वीडियो में बहुत ही ब्रीफली हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो इसको देखें और समझें। देखिए, सबसे पहली बात तो आप समझें कि पूरी दुनिया में इंग्लिश नहीं चलती, ये बिल्कुल सबसे बड़ा सच है। जब मैं कोरोना से पहले, क्योंकि कोरोना के बाद मैंने अभी रिसेंटली कुछ खास ट्रैवल नहीं किया, बट कोरोना से पहले आई यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव इन ट्रैवलिंग। तो उस वक्त मैं ये देखता था कि जब जापनीज जाते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि जापनीज अगर पोर्चुगल में लैंड करते हैं लिस्बन में तो वो इंग्लिश बोलते हैं। ना ही पोर्चुगीज़ को इतनी अच्छे से इंग्लिश आती है, ना ही जापनीज़ को आती है। उस केस में बेसिक इंग्लिश हेलो हाउ आर यू वाली तो बोल सकते हैं सभी, लेकिन अगर उससे ज़्यादा इमिग्रेशन ऑफिसर अगर क्वेश्चन करता है तो वो उसके आंसर्स को अपने मोबाइल फ़ोन में या अपनी स्लिप्स में लिख कर आते थे, जस्ट इन केस अगर ऐसा पूछा गया। आंसर्स क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आप यहाँ पे किससे मिलने आए हैं, कौन है आपका दोस्त, तो उसका नाम एड्रेस पहले से लिख के देते हैं। मेरा दोस्त है मिस्टर फर्नांडो या जो भी है, व्हाटएवर जो भी वहाँ पे रहता है, और इसका एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनको कॉल कर सकते हैं। तो इमिग्रेशन ऑफिसर कॉल भी कर लेते हैं उनको कि भाई ऐसे ऐसे समबडी इज़ फ्रॉम जापान इज़ कमिंग, ये आप ही के वो हैं, जानकार हैं। वो आगे से बोलता है ऑफकोर्स मेरे ही फ्रेंड है। तो चीज़ें सेटल आउट हो जाती हैं। ये जो चीज़ है ये हर जगह होती है। तो अगर आप इंग्लिश नहीं जानते या बहुत कम जानते हैं या बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, तो भी इमिग्रेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो आप अपनी सारी डिटेल्स अपने पास एक पेपर पे लिख के रखें, अपने मोबाइल में भी रखें और एक पेपर पे भी लिखें, अपने वॉलेट में रखें उसको, ऐसा ना वो लगेज में चला जाए फिर आप उसे ढूंढे परेशान होए। वो आपके वॉलेट में होना चाहिए, हैंड बैग में होना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप किसी से मिलने उस देश में जा रहे हैं तो उनका नाम नंबर ये एड्रेस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में अगर उनका कोई आईडी प्रूफ है, पीआर है, पासपोर्ट नंबर है, तो उसको भी मेंशन करें, वो ज़रूर अपने पास रखें। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक्चुअल में ये चीज़ देखा होगा, जब वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है कि आप किससे मिलने आए हैं, और जब आप उनकी उनसे बात करा देते हैं तो 99% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इमिग्रेशन ऑफिसर बेसिक क्वेश्चन यानी आपके डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद जब आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करता है तो कुछ ना कुछ डाउट होने की वजह से ही करता है। तो डॉक्यूमेंटेशन अपने पहले से अगर कंप्लीट रखेंगे तो हो सकता है इसकी नौबत ही ना आए, लेकिन अगर इन केस इसकी नौबत आ भी जाती है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, कभी भी आप उनके आगे विनती ना करें कि आप प्लीज़ मेरे को जाने दें, हाथ जोड़ना, रिक्वेस्ट करना, नो, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। देखिए, आप एक ट्रैवलर हैं, अगर आप ऐसा कोई भी ऐसा कोई भी अटेम्प्ट करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसा ट्रैवलर नहीं आए हैं, आप यहाँ पे डेफिनेटली किसी और पर्पज़ से आए हैं। दैट्स वाई यू आर सो डेस्परेट टू एंटर इन देयर कंट्री। इसमें डेस्परेशन शो होती है, हमको लगता है कि आप इतने डेस्परेट क्यों हो रहे हो, क्या है ऐसा हमारे देश में कि आप आने के लिए ऐसा हो रहे हो। अगर आप एक नॉर्मल ट्रैवलर हो तो इतनी डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए। एक तरह से उदाहरण के तौर पे आप लगाएं कि एक घर वाले, दो घर वाले होते हैं, तो एक घर वाला दूसरे घर वाले के घर में रिश्ता भेजता है, तो वो पहले वाले घर वाले के ऊपर है कि भाई वो रिश्ता ले ना ले, राइट, मना भी कर सकती है या कर सकता है, तो वो फैमिली मना कर देती है, हमें रिश्ता नहीं चाहिए। बट अगेन जो फर्स्ट जो रिश्ता था उनके पीछे हाथ धोके पड़ जाते हैं, नहीं नहीं आप लोग, इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा या इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, इससे बढ़िया रिश्ता नहीं है, इससे बढ़िया फैमिली नहीं है, फलाना धमकाना। तो आपको लगता है ना कि हाँ भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इतने अटैम्प्ट क्यों कर रहा है। इमिग्रेशन ऑफिसर का भी यही काम है, उसको भी लगता है कि आप इतना ज़्यादा डेस्परेट क्यों हो रहे हो। तो बिल्कुल टू द पॉइंट और बिल्कुल स्पेसिफिकली प्रिसाइसली ही आंसर करना है। ओवर एक्सप्लेनेशन या अंडर एक्सप्लेनेशन, ओवर एक्सप्लेनेशन खासतौर से बिल्कुल अवॉइड करें। अगर इससे अच्छा है कि अगर आपको नहीं पता क्या बोलना है तो चुप रहना ज़्यादा बेटर है। और बिल्कुल भी विनती करना, रिक्वेस्ट करना, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपकी डिक्शनरी में। आपके डॉक्यूमेंट बोलने चाहिए, आपसे ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप वहाँ पर जाते हैं किसी से मिलने, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आपने नाम नंबर सब कुछ लिखा, उनको दे दिया। इसके अलावा अगर वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इसके अलावा भी और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो एक लाइन आप रट लीजिए,
माई फर्स्ट लैंग्वेज इज हिंदी, प्लीज गिव मी हिंदी ट्रांसलेटर, या फिर ये बोल दीजिए सिर्फ प्लीज गिव मी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर, या फिर यही चीज किसी से पहले से ही लिखवा कर लेके जाएं कि भाई मेरी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, मेरे को नहीं आती आपकी देश की लैंग्वेज, हो सकता है आप इंग्लिश बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, जर्मन बोल रहे हैं, जापनीज बोल रहे हैं, आई डोंट नो, मेरे को नहीं आती आपकी लैंग्वेज, मेरी तो हिंदी है, तो मुझे प्लीज ट्रांसलेटर दीजिए, ऐसा लिखवा के जाएं अपनी फैमिली से, किसी से भी, अगर ऐसा कुछ होता है, और उसकी कॉपी मोबाइल में भी रखें, वो ज़्यादा आपसे क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा आपका सरदर्द करते हैं, तो आप ये सीधा उनको दिखा दीजिए ट्रांसलेटर लेकर आओ भाई। और हर अच्छे एयरपोर्ट पे सभी लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स इजीली होते हैं, अच्छे एयरपोर्ट पे, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पे नहीं, लेकिन अगर वो एक मेट्रो सिटी का या मेगा सिटी का, टायर वन कंट्री का, टायर वन सिटी का आई एम सॉरी एयरपोर्ट है, तो डेफिनेटली वहाँ पे ट्रांसलेटर होंगे, सभी बड़े एयरपोर्ट्स पे ट्रांसलेटर होते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे भी अलग अलग लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स होते हैं। अगर आप किसी को भी जानते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन में हो, आप उनसे पूछिएगा, जब लोग अफ्रीका से आते हैं या ईस्टर्न यूरोप से आते हैं और जब उनको इंग्लिश नहीं आती या हिंदी नहीं आती, तो उस केस में उनकी लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स को बुलाया जाता है उनकी हेल्प करने के लिए कि भाई बताइए यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो वहाँ पर एक ऑथराइज ट्रांसलेटर आता है, सर्टिफाइड और ऑथराइज ट्रांसलेटर आता है, फिर वो पूरा ट्रांसलेशन करके उनको आपको समझाता है और आपको उनको समझाता है। सिमिलरली ऐसा ही सिस्टम हर एयरपोर्ट पर होता है, तो आप ये लिख कर लेकर जाएंगे, इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तीसरा, आप कोई भी ऐसी ड्रेसिंग ना करें जिससे आपके ऊपर डाउट जाए और वो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे। यूजुअली देखा गया है कि इमिग्रेशन ऑफिसर ज़्यादा क्वेश्चन तभी करते हैं जब उनको किसी की बॉडी लैंग्वेज से इशू आता है, जब उनको लगता है कि इनकी बॉडी लैंग्वेज में इशू है। लोग वहाँ पर जाते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े पहन के चले आते हैं गर्मियों में, उनको डाउट होने लगता है कि इतने ज़्यादा कपड़ों में आप क्या छुपा रहे हैं जो आप इतने कपड़े पहन के गए हैं, या फिर आपने हैट या कैप पहन ली है। ये तो सबसे ज़्यादा सीरियस इशू है एयरपोर्ट पर, खास तौर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अगर आप जाते हैं बाहर, यूरोप हो या वेस्ट के कोई भी एयरपोर्ट हो, और वहाँ पे आपने हैट पहन लिया मान लीजिए, कैप पहन ली, तो ऊपर जो कैमरे लगे हैं वो आपको नहीं देख सकते, उनका विजन ब्लॉक हो रहा है इसकी वजह से। तो क्या होगा, वो अपने सैटेलाइट फ़ोन से मैसेज देंगे कि भाई वो जाइए, एक्स वाई जेड शर्ट वाला पर्सन है, उसने कैप पहनी हुई है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, जाके चेकआउट करिए। तो आएगा, अब चेकआउट करेगा, अब ये वही चीज़ हो जाती है कि आपने सिग्नल तोड़ा, आगे पुलिस ऑफिसर ने पकड़ा, अब कोई ना कोई कमी तो निकल ही जाएगी और आपके ऊपर चालान भी हो सकता है, राइट। तो इससे अच्छा सिग्नल ही ना तोड़ें, राइट। तो पुलिस ऑफिसर को ब्लेम करने से अच्छा है कि हम सिग्नल ही ना तोड़ें, करेक्ट, है ना। तो वहाँ पर भी यही सिस्टम है कि हम कोई ऐसी चीज़ ना करें कि हम अननेसेसरी उनकी नज़रों में आए। तो कैप वगैरह पहनना, अपने मुंह को छुपा के रखना, कॉलर, ऊंचे कॉलर वाले कोट पहनना, दैट्स नॉट राइट इन द एयरपोर्ट, खास तौर से जब सीज़न आपको फेवर नहीं करता है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ठीक है ओवरकोट चलता है, बट अगर मीडियोकर सा एटमॉस्फेयर है तो एयरपोर्ट पर फॉर द टाइम बीइंग हम उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े लगेज ना लेकर जाएं। लोग क्या करते हैं जब बाहर जाते हैं 15 दिन के टूर पे, इतना सारा सामान ले लिया, इतना बड़ा लगेज हो जाता है उनका, 40 kg अलाउ है, इसका मतलब नहीं कि पूरा 40 ही लेकर जाना है। आप इस चीज़ का ध्यान दें, जितना बड़ा लगेज होगा उतनी ज़्यादा आप इमिग्रेशन वालों की नज़रों में आओगे कि भाई आप यहाँ पे क्या सेटल होने आ रहे हो, इतना ज़्यादा सामान तो कोई बंदा वही आता है जो सेटल होने आ रहा हो, एक घूमने वाला बंदा इतना सामान का क्या करेगा। और अगर बिल्कुल ही ना सामान लेकर जाओ तो वो और भी ज़्यादा गड़बड़ है। अब मान लीजिए वहाँ पर ठंड पड़ रही है और यहाँ से कोई सामान ही नहीं लेके जा रहा, टी शर्ट और जीन्स में जा रहा है और कोई लगेज नहीं है, और जहाँ पर आप लैंड करने वाले हैं वो 2-4 degrees का टेम्परेचर है, तो इमिग्रेशन ऑफिसर के लिए कितना आसान है ये समझना कि भाई कोई ना कोई गड़बड़ है, आपने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ और ये वीज़ा जो है कुछ ना कुछ सेटिंग के थ्रू लिया है या कुछ ना कुछ गड़बड़ करके लिया। उस केस में वो रिस्क लेता ही नहीं और आपको आपका वीज़ा कैंसिल करके रिटर्न भी कर सकता है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि ऐसी कोई भी चीज़ ना करें। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आप लिख कर भी लेकर जाएँ, इमिग्रेशन में आपको पूरी हेल्प भी मिलेगी, जिससे मिलने जा रहे हैं उनको पहले से बोल के रखें भाई अपना फ़ोन अपने पास रखना, मेरी फ़्लाइट इतने बजे लैंड हो रही है, ताकि ऐसा ना हो कि नेटवर्क इशू आ जाए। कोई भी अपना बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज ऐसा ना रखे जिस पे आप पे शक हो। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, आई एम वेरी मच श्योर हिंदी में आप पूरी दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट को आराम से क्लियर कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रहेगी। बाय बाय।